और मानो कोई क्रोधी गया और दूसरे जिसको क्रोध किया वो भी मम्मा के पास आता था, तो मम्मा पहले उसको चेक कराती थी, तो उसने क्रोध किया बहुत खराब है, ठीक है करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है, क्रोध तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जो मेरे पास आई हो, तुम्हारे को फीलिंग है कि इसने मेरा बुरा किया, इसने ये किया, इसने, तुम जो सुना रही हो मेरे को, रिपोर्ट दे रही हो, वो थोड़ा सा फीलिंग के आधार से दे रही हो, मम्मा बहुत किया ना, मम्मा थोड़ा तो आएगा ना। तो मम्मा कहती थी, देखो उनका क्रोध रंग है, लेकिन आपके जो फीलिंग है मेरे ऊपर क्रोध किया, ये किया, फीलिंग से जो तुम मेरे पास आई हो वो राइट है, क्योंकि फीलिंग जो है वो तो दिल को और ही खराब कर देती है। हमारे में आपस में क्लास चलता था तो उसमें यही चलता था, तो फीलिंग जब मनुष्य को आती है ना दिल में, तो बिल्कुल फिलू बुखार जैसी हालत होती है। अगर फीलिंग मेरे में है ये ऐसी है, ये क्रोधी है, ये रंग किया, क्यों किया, क्या किया, तो जैसे फिलू के बुखार में क्या होता है, खाना अच्छा लगता है, नींद आती है, परेशानी होती है, ऐसे फीलिंग जब कोई भी बात की आ गई तो फीलिंग एक फ्लू बुखार के समान है। तो मम्मा कहती थी, अभी सोचो कोई बंदा हुआ है रस्सी में और दूसरा भी बंदा हुआ है, तो बंदा हुआ बंदे हुए को छुड़ा सकता है? तो तुम्हारे में फीलिंग, उसमें क्रोध, आपका मानेंगे क्यों वो?